So, मौसम है सुहाना और पैराशूट बनाना तो है सिर्फ बहाना, असल में यूट्यूब पे सब्सक्राइबर और व्यूज है बढ़ाना। तो गाइज आई एम प्रिंस एंड टुडे आई एम वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में बनाएंगे पैराशूट और पैराशूट की हर एक बातों पे डिस्कस करेंगे कि ड्रैग्स क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे पैराशूट को बनाते हैं और क्या क्या और भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं पैराशूट में। तो गाइज इस वीडियो में हम पैराशूट बनाएंगे और तीन तीन पैराशूट बनाऊंगा मैं, एक पेपर से बनाऊंगा और दो पॉलिथीन से बनाऊंगा। तो गाइस चलते हैं बनाते हैं पैराशूट और देखते हैं कि क्या जो हम पैराशूट बनाते हैं वो अच्छे से वर्क कर पाता है कि नहीं, कि जो हम ऑब्जेक्ट उसके अंदर हम बांधते हैं उसे अच्छे से लैंड कर पाता है। तो गाइस चलते हैं बनाते हैं पैराशूट, पहले पेपर पर बनाते हैं उसके बाद पॉलिथीन पर, ठीक चलते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं बनाते हैं पैराशूट। तो पेपर लेते हैं और सीजर लेते हैं और इसको जो पेपर है उसको स्क्वायर शेप में कर लेंगे, स्क्वायर शेप में करके जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कट कर लेंगे सीजर की मदद से और इसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करना गाइस, देख लीजिए आप, इसको पूरा एंड तक फोल्ड करना है। सो गाइस ये फोल्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो उसका शेप है ना वो सर्कल फॉर्म में आ जाए। देखिएगा जब मैं इसको कट करूँगा तो उसका जो शेप आएगा वो सर्कल फॉर्म में आ जाएगा पूरा। तो इसे कट कर लिया मैंने सीजर से और इसके बाद जो जहाँ पर हम थ्रेड बांधेंगे वहाँ पर भी फोल्ड कर देते हैं। पहले शुक्र थ्रेड होता है थ्रेडिंग करने के लिए। गाइस देख लीजिए तो शेप पूरा राउंड है और अब थ्रेडिंग के लिए मैं बांध चुका हूँ। मैं थ्रेड को बांधते हैं पैराशूट के होल्स में। पहले गाइस टेपिंग कर लेते हैं, नहीं तो जो उसका होल है ना पेपर से बना हुआ है और उसको अच्छे से टाई करेंगे तो फट ना जाए, इसलिए मैं इसको टेपिंग कर लिया हूँ सारे होल पे। अभी टेपिंग हो गया और मैं थ्रेड बांधने जा रहा हूँ फटाफट। गाइस देख लीजिए कैसे थ्रेडिंग करना है हमें, जो हम थ्रेड काटे हैं सारा थ्रेड और एक ही इक्वल होना चाहिए। उसके बाद लास्ट टच रह गया पैराशूट को देने के लिए, इसको बस टाई करना सारे थ्रेड को, उसके बाद हमारा जो पैराशूट है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो उसको एकदम गाइस परफेक्टली इसे काटना पड़ता है और इसमें वो लगना पड़ता है, टाई करना पड़ता है, देखो। तो कोई भी थ्रेड ऊपर नीचे हो गया तो जो हमारा पैराशूट इम्बैलेंस हो जाएगा। देखो अच्छे से टाई किया है सारे जो थ्रेड है हमारे और ये हमारा पैराशूट बनके तैयार हो गया। इसे देखो गाइस, देखा आपने कि कैसे हमने पेपर वाला पैराशूट बनाया और चलते हैं बनाते हैं पॉलिथीन का पैराशूट। तो गाइस चलिए चलते हैं बनाते हैं पॉलिथीन से पैराशूट। तो पॉलिथीन के पैराशूट्स को पहले पॉलिथीन लेना है और जो उसका एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कट करके निकालना बाहर। मैं कट कर ले रहा हूँ फटाफट सीजर की मदद से, आप भी ऐसे कीजिए, एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कट कर लीजिए और जो पहला उसको भी कट कर लेते हैं क्योंकि ज्वाइन होता है ना इसीलिए। फटाफट ये कट हो गया हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल था हमारा पॉलीथीन के अंदर का। और गाइस उसको पूरा अंदर का जो पॉलीथीन है ना उसको खोल लेना है पूरा, तो ऐसे खोल के यहाँ पर पूरा खोल लेना इसको और कट कर लेना। इसके बाद कट करके पूरा खोल के उसको भी गाइस उसी स्क्वायर के शेप में ढाल लेना है। ये देखो मैंने स्क्वायर के शेप में डाल लिया। इसका मेन मकसद ये है कि हम इसे सर्कल फॉर्म में लेकर आएँ और कुछ इसका मकसद नहीं है, स्क्वायर फॉर्म में काटने का यही एक मकसद है कि हमें सर्कल शेप चाहिए। तो मैं गाइस उस तरीके से मोड़ना है, हमने देखा है पेपर वाले में भी कि कैसे हम मोड़ रहे थे, एंड तक मोड़ना है। ये देखो मैंने मोड़ के और कट कर लिया और गाइस जो इसका है टिप वहाँ से मैं कट कर लूँगा, पहले यहाँ पर थ्रेडिंग के लिए कट कर लेते हैं। तो मैंने थ्रेडिंग के लिए कट कर लिया जहाँ पर हम थ्रेड बांधेंगे। तो कैसे देखो थ्रेडिंग के लिए मैं होल दिख रहा आपको और गाइज वहाँ पर जो उसके टिप है ना पॉलीथीन का वहाँ पर भी कट कर लेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि क्यों हम यहाँ पर कट किए हैं, क्या इसका वो है मतलब है कि कट करने का, हम अगर पेपर वाले में तो कट किए नहीं है इसमें क्यों कट किए, थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ कि क्यों कट किए। गाइज मैंने टेपिंग कर लिया सारे होल पे और मैं यहाँ पर होल कर ले रहा हूँ अच्छे तरह से, अच्छे से थ्रेडिंग हम कर लें बस इसका यही मकसद है। तो गाइस थ्रेड मैंने बांध लिया सारे में, देखो गाइस हमारा जो पैराशूट है वो तैयार हो गया पूरा। सो गाइस आपने देख लिया कि कैसे हमने पैराशूट बनाया पॉलीथीन और पेपर से दोनों। और गाइस चलिए जानते हैं क्या होता है कैनोपी, क्या होता है सस्पेंशन लाइन और भी बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में बता करते हैं जो पैराशूट में लगती है जब पैराशूट उड़ता है और लैंड करता है तो, और क्या होता है ड्रैग्स, क्या होता है रिफिंग टेक्निक। तो गाइस चलिए जानते हैं इन सारे चीज़ों के बारे में, जबकि जब हम पैराशूट उड़ाएं और पैराशूट लैंड हो तो आपको दिमाग में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ही होना चाहिए कि पैराशूट के अंदर कौन सी टेक्निक लग रही है, कैसे पैराशूट उड़ रहा है, एवरीथिंग ठीक है। तो चलते हैं जानते थोड़ी थोड़ी साइंटिफिक रीजन के बारे में हल्का फुल्का, जिससे हमारा जो है ना
पता लग सके कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं गाइस। ये पर हमारा पैराशूट और इसको बोलते हैं कैनोपी, इसको बोलते हैं सस्पेंशन लाइन, और इसमें जो ऑब्जेक्ट हम बांधते हैं उसे बोलते हैं पेलोड। किसी ऑब्जेक्ट को हम एक डेफिनेट हाइट से फेंकें और उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड से ना इंक्रीज हो और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो गाइस उसी को हम ड्रैग बोलते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका और उसकी स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। सो गाइस ये हमारा पैराशूट, और आपने फोटो में देखा है कि कैसे हम अपने जो पैराशूट के ड्रैग को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस आपने जैसे कि फोटो में देखा है कि जो हम अपने पैराशूट के ड्रैग को इस सस्पेंशन लाइन को हाफ करके डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इस सस्पेंशन लाइन को, ये जो पूरा सस्पेंशन लाइन है, इसको हाफ से टाई कर दें और इसे लॉन्च करें किसी हाइट वाले जगह से, किसी हाइट वाले चीज पे से उसको लॉन्च करोगे तो इसका ड्रैग है वो डिक्रीज हो जाएगा। और आपको और कैसे हम इस जो है पैराशूट के ड्रैग को इंक्रीज करें जिससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम स्लोली स्लोली गिरे और कुछ भी डैमेज ना हो उस ऑब्जेक्ट को, तो आप जैसा कि इस फोटो में देखा आपने क्या करना है हमने, तो फिर मैंने यहाँ पर जो इस पैराशूट के अंदर एक जुगाड़ से बना रखा है और यहाँ पर मैंने पिन ज्वाइंट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने पिन ज्वाइंट किया हुआ और इसी पिन से के जरिए इस जो ड्रैग है इस पैराशूट के ड्रैग को इंक्रीज करेंगे। कैसे करते हैं चलते हैं। फिर मैं इस जो एक्स्ट्रा हमारा थ्रेड है तो फंसा देता हूँ उस हुक में। सो गाइस देख सकते हो कि जो हमारा पैराशूट है इसका अंदर वाला पोर्शन है उसका खींच के और जिसका ड्रैग है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिससे जो हम ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर टाई करते हैं उसका स्पीड स्लो हो जाता है और सेफली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो गिरता है धरती पर। तो गाइस चलिए चलते हैं, करते हैं इस पैराशूट को लॉन्च वाली टंकी से, वाली टंकी से, और देखते हैं कि सच में क्या जो हम रिफिंग टेक्निक का यूज़ करके अपने जो पैराशूट का ड्रैग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही लग गया कि कैसे क्या करना है। ये पड़ा हुक जिसके जरिए हम पैराशूट के ड्रैग को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज जो है इस जो सस्पेंशन लाइन को हाफ करके डिक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा हमने इसमें कंपैरिजन किया है रिफिट पैराशूट और नॉर्मल के बीच में, और आप क्लियरली देख सकते हो किस तरह का शेड रहा है। और चलते हैं छोटे छोटे पैराशूट को देखते हैं जो हमने बनाए। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर मैंने 3 पैराशूट बना लिया है, और ये देखो फर्स्ट पैराशूट हमारा फर्स्ट पैराशूट है, और ये हमारा सेकेंड पैराशूट, और ये थर्ड पैराशूट कागज वाला। तो गाइस ये देखो आपको तीनों दिखाता हूँ, ये देखो हमारा 3 पैराशूट है। और गाइस कुछ आपको डिफरेंसेस दिख रहे होंगे इन पैराशूट में, ये पेपर का है और ये दोनों बाकी पॉलिथीन के हैं। तो गाइस इनका डिफरेंसेस बताता हूँ मैं, डिफरेंसेस क्या है इनमें। तो गाइस ये पड़ा देख सकते हो जो उसका कैनोपी है इसमें हॉल है, देख सकते हो आप सिर्फ जो कैनोपी है इसमें हॉल है, और इसका कैनोपी है इसमें हॉल नहीं है, देख सकते हो। तो सर क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस भी मैं बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है कि एक कैनोपी में हम हॉल किए हैं और दूसरे कैनोपी में हॉल नहीं किए हैं। तो गाइस कैनोपी में होल इसलिए किया जाता है कि जो इसका एक्सिस में प्रेशर हो वो न्यूट्रलाइज कर दे और जो पैराशूट हमारा डिसबैलेंस ना हो, ज़्यादा हिले डुले ना, और अच्छी तरह से हमारा पेलोड है और ऑब्जेक्ट जो बांधेंगे अंदर उसको अच्छी तरह से लैंड करवा दे, तो इसीलिए हम होल देते हैं इस पैराशूट के अंदर। तो आपको एक डैमो के जरिए बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं डैमो इस पैराशूट के होल का, कि पैराशूट का होल क्यों होता है इस कैनोपी में। तो गाइस यहाँ तक आते आते लगभग आपको सभी चीज़ों के बारे में पता लग गया होगा, रिफिंग टेक्निक, कैनोपी क्या होता है, सस्पेंशन लाइन क्या होता है, और क्यों कैनोपी में होल होता है और नहीं होता है। और चलते हैं इन छोटे छोटे पैराशूट को लॉन्च करते हैं ये टंकी से, और देखते हैं कि क्या ये छोटे छोटे पैराशूट भी उसी तरह वर्क करते हैं। चलते हैं गाइस, अब तक आपने बहुत सारी चीज़ें जान ली होंगी पैराशूट के बारे में। तो गाइस चलते हैं सीधा इस टंकी से लॉन्च करते हैं पैराशूट को, और देखते हैं कि कैसा नज़ारा लगता है, कैसा लगता है पैराशूट। चलिए चलते हैं।
सो गाइस देखा आपने इस वीडियो में कि हमने पैराशूट की सभी बातों पर डिस्कस की है, क्या ड्रैग होता है, क्या एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, रिफिंग टेक्निक क्या होता है, रिफिंग पैराशूट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और कैसे हम एक ड्रैग को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और क्यों कैनोपी में होल होता है और नहीं होता है। तो गाइस वीडियो में हमने सभी चीज़ को कवर किए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से, और सब्सक्राइब करने के लिए चैनल नहीं कहूँगा वीडियो में, और ये जरूर कहूँगा किसी ना किसी ने अपनी मेहनत से जरूर आपको सब्सक्राइब करूँगा। मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय भारत। मिलता है अक्सर।